Hi and welcome again to my course on tarot card readings. This is your lecture number 2. I hope कि आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरह से समझ आया. अगर कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम थी, प्लीज़ अगर अभी तक नहीं पूछा है आपने मुझसे, ये वाला लेक्चर भी सुन लीजिए और प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ व्हाट्सएप मी. मैं आपको लाइव डाउट क्लास दूंगी जिससे आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो आई होप कि आपने अपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसे रिवाइज किया एंड नाउ यू आर लिसनिंग टू दिस सेकेंड लेक्चर. तो आज हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था टैरोस क्या होते हैं, कौन से लॉ पे वर्क करते हैं, क्या कुछ होता है उसमें, और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स. तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में इफ़ यू रिकॉल बताया था कि हमारे पास इन ऑल 78 टैरो कार्ड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और हर कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं. तो अभी हम पढ़ते हैं कि वो जो 78 टैरो कार्ड्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे डिवाइडेड है. तो टैरो कार्ड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. टोटल ऑफ 78 कार्ड्स का जो एक डेक होता है उसे दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. वन इज़ मेजर आर्काना एंड द अदर वन इज़ माइनर आर्काना. तो जो मेजर आर्काना होता है उसमें टोटल 22 कार्ड्स होते हैं जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं, रोमन नंबर्स, 0 से लेकर 21 तक नंबर्स होते हैं. ये जो न्यूमरोलॉजी लिखी होती है इन कार्ड्स पे, ये रोमन नंबर्स में होती है, नॉर्मल 0, 1, 2, 3 नॉर्मल नंबर्स में नहीं होती है. देन कमिंग टू माइनर आर्काना, अगर आप 78 में से 22 कार्ड्स माइनस कर देंगे सो यू आर लेफ्ट विथ 56 कार्ड्स. तो माइनर आर्काना में आपके पास होते हैं 56 कार्ड्स. आई विल रिपीट दिस अगेन, जो हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाते जाइए, प्लीज़ आप इसे खुद समझ के और अपने कॉपी में लिखते जाइए. जितना आप नोट्स बनाएंगे, जितना आप मेरी बातों को सुनेंगे, जब आप बाद में रिवाइज़ करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही स्विफ्टली आप बहुत ईजिली इसको रिवाइज़ कर पाएंगे. सो मेजर आर्काना होता है, माइनर आर्काना होता है. मेजर आर्काना मतलब बड़े इवेंट्स को शो करता है, माइनर आर्काना मतलब हमारी लाइफ के छोटे छोटे डे टू डे, एक दो महीने में होने वाले ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स को शो करता है. तो मेजर आर्काना में हमारे पास 22 कार्ड्स होते हैं जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं 0 से 21 तक, और हर कार्ड के नीचे उसका नाम भी लिखा होता है. और इसी तरह से माइनर आर्काना में भी 56 कार्ड्स होते हैं. आगे क्या फर्दर डिविजन होता है, कैसे होता है, ये मैं अभी सब आपको समझाऊँगी. तो जो हमारे मेजर आर्कानाज होते हैं जिसमें 22 कार्ड्स होते हैं और जिसमें रोमन नंबर्स होते हैं 0 से 21 तक, आई एम सॉरी अगर आपको ये रेपिटेटिव लग रहा है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आप उसे इतनी बार सुने कि आपको याद हो जाएगा वो. तो मेजर आर्काना के जो 22 कार्ड्स होते हैं वो 22 तरह की पर्सनैलिटीज़ डिपिक्ट करते हैं, वो पर्सनालिटीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में अपने अराउंड देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने पर्सनालिटी से भी रिलेट कर पाएंगे. तो पहला कार्ड होता है नंबर 0 इज़ द फूल, नंबर 1 इज़ द मैजिशियन. प्लीज़ आप इसे लिखते जाइए, मैं आपको बोलती जा रही हूँ, प्लीज़ आप लिखते जाइए. आपको इस ऑर्डर में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और कार्ड पे नेम भी लिखा होता है. बट स्टिल जितना अच्छे से आप अपने कार्ड्स को जानते हैं, जितना अच्छे से आप अपने कार्ड्स को पढ़ेंगे, उतना ही आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. नंबर 2 इज़ हाई प्रीस्टेस, नंबर 3 इज़ द एम्प्रेस, नंबर 4 इज द एम्परर, नंबर 5 इज द हायरोफैंट, नंबर 6 इज द लवर्स, नंबर 7 मीन्स द चैरियट, नंबर 8 इज द स्ट्रेंथ, 9 इज द हर्मिट, 10 इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 11 इज जस्टिस, 12 इज हैंग्ड मैन, 13 is death, number 14 is temperance, number 15 is the devil, number 16 is the tar, number 17 is the star, number 18 is the moon, number 19 is the sun, number 20 is judgment,
एंड लास्टली वी हैव नंबर 22, नंबर 21 द वर्ल्ड. ये जो द वर्ल्ड कार्ड है ये हमारा ट्रम्प कार्ड होता है. तो आई होप कि आपने ये सब कार्ड्स लिख लिए होंगे ऑर्डर में, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज आपको करनी है घर पे, प्लीज़ आप अपने कार्ड्स को रैंडमली शफल कीजिए और उसके बाद आप जल्दी से ये जो मेजर आर्काना है, सबसे पहले निकालिए ज़ीरो नंबर द फूल, फिर निकालिए वन नंबर मैजिशियन, फिर निकालिए हाई प्रीस्टेस और लास्ट में सब कार्ड्स रखते हुए लास्ट में आएगा द वर्ल्ड. प्लीज़ इसे ऑर्डर में अरेंज कीजिए, फिर से शफल कीजिए, फिर से अरेंज कीजिए. आपको टैरोस को रीड करते हुए इसे ऑर्डर में रखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, सो दैट आपको कार्ड्स का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए. आप अपने कार्ड्स को अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करें और जब आप टैरो रीडिंग्स करें आप अपने कार्ड्स को हर तरह से और अच्छी तरह से जानते हों. तो प्लीज़ स्पेंड एटलीस्ट 2 seconds ऑन ईच कार्ड, देखिए और उसे प्लीज़ ऑर्डर में अरेंज कीजिए. ये सिर्फ अभी के लिए एक्सरसाइज है, आगे रीडिंग करते हुए आपको इसे कभी अरेंज नहीं करना पड़ेगा. नाउ कमिंग ऑन माइनर आर्काना. सो माइनर आर्काना में हमारे 56 कार्ड्स होते हैं. आई एम श्योर ताश के पत्ते जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, आपने ज़रूर उनको यूज़ किया होगा. अगर नहीं भी यूज़ किया है तो आप गूगल पे भी उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. उसमें जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड, इस तरह से ऐसे 4 कैटेगरीज होती हैं आपके पास. तो उसमें आप क्या करते हैं, हर कैटेगरी में आपके पास 14 कार्ड्स होते हैं. उसी तरह जो माइनर आर्काना है इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 सूट्स. जिस तरह से आपके प्लेइंग कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं, चिड़ी, डायमंड, हार्ट, स्पेड, उसी तरह से ये भी आपके 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं टैरो कार्ड्स. टैरो कार्ड्स और प्लेइंग कार्ड्स सेम नहीं होते हैं, लेकिन इनके 4 सूट्स होते हैं. तो पहला सूट है सूट ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें 14 कार्ड्स होते हैं. दूसरा है सूट ऑफ कप्स, इसमें भी 14 कार्ड्स होते हैं. सूट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है उसका सिंबल आप प्लीज़ देखिए, एक येलो कलर का सर्कल है और उसके अंदर स्टार बना है. जो पेंटिकल है, ज़रूरी नहीं है कि सर्कल हमेशा येलो कलर का होगा, लेकिन एक सर्कल और उसके अंदर स्टार बना होगा कार्ड पे. अगर आपके टैरो कार्ड पे सर्कल है और स्टार है, इसका मतलब वो सूट ऑफ पेंटिकल्स है. अगर आपके कार्ड पर इस तरीके का कप का कलर चेंज हो सकता है, मोस्टली आपको कार्ड्स में येलो कप्स दिखेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड में आपको येलो कप ही मिलेगा. जहाँ पे भी इस तरह का कप बना होगा वो है आपका सूट ऑफ कप्स का कार्ड. मतलब सूट ऑफ कप्स के जो 14 कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड वो होगा. देन कम्स सूट ऑफ वॉन्ड्स. सूट ऑफ वॉन्ड्स का सिंबल होता है ये देखिए, ऑलिव ट्री की ब्रांच. ये ऑलिव ट्री की ब्रांच है, ये इसका ये जो वुड स्टिक है और उसके साइड में लीव्स निकले हुए हैं, ये है सिंबल सूट ऑफ वॉन्ड्स का, जिसमें भी 14 कार्ड्स होते हैं. और अब देखिए सूट ऑफ स्वॉर्ड्स का सिंबल. स्वॉर्ड तो हम सबको पता है, स्वॉर्ड होती है जिससे हम लड़ाई करते हैं, हमारी तलवार. तो ये एक तलवार का सिंबल बना होगा. आई होप कि आपको समझ आया. माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं. ये 56 कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं. ये जो 4 सूट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें से कोई सूट ज़्यादा प्रायर, कोई कम प्रायर, कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कोई कम इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब इक्वल वेटेज होल्ड करते हैं. सबकी प्रायोरिटी एब्सोल्युटली इक्वल है. जो सूट ऑफ पेंटिकल्स है उसमें 14 कार्ड्स है, उसका सिंबल है सर्कल और उसके अंदर स्टार. जिस भी कार्ड में आपको सर्कल और अंदर स्टार दिखेगा वो हो गया सूट ऑफ पेंटिकल. आप मेजर आर्काना माइनर आर्काना कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो भी मैं आपको आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में समझाऊंगी. अभी के लिए जो मैं कह रही हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिए, और इसलिए मैं उसे 2 या 3 बार रिपीट भी कर रही हूँ. सूट ऑफ कप्स में भी 14 कार्ड्स होते हैं, जिसमें सूट ऑफ कप्स के हर कार्ड में आपको कप्स दिखेंगे. किसी में एक कप हो सकता है, किसी में 2 कप्स हो सकते हैं, किसी में 14 कप्स हो, सॉरी 14 कप्स आपको किसी में नहीं मिलेंगे, किसी में 10 कप्स होंगे, बट आपको कप्स दिखाई देंगे. इसी तरह वॉन्ड,
स्वॉर्ड और पेंटिकल्स में भी, किसी में एक पेंटिकल होगा, किसी में 10 पेंटिकल्स होंगे, किसी में एक वॉन्ड होगी, किसी में दो वॉन्ड्स होंगी, किसी में चार वॉन्ड्स होंगे, बट इस तरह से आपको ये कैटेगराइजेशन आपको डिफाइन किया गया है। नाउ कमिंग टू माइनर आर्काना। अब माइनर आर्काना का जो स्ट्रक्चर है, माइनर आर्काना में आपने समझा कि हमारे पास चार सूट्स होते हैं, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स। आप आपके कार्ड के नीचे नाम पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है कि आप आपके मेजर आर्काना कार्ड्स को शफल कीजिए और उनको अरेंज कीजिए। अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कार्ड के नीचे नाम पढ़िए। कार्ड के नीचे अगर वो माइनर आर्काना कार्ड है तो उसके सूट का नाम हमेशा दिया होगा। अगर वो मेजर आर्काना नाम है तो उसमें सूट का नाम नहीं होगा, उसमें एक जनरल नाम होगा। अब माइनर आर्काना का जो हर सूट है वो फर्दर किस तरह से डिवाइडेड होता है, उसमें हर सूट में 14 कार्ड्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 14 कार्ड्स, 4 कार्ड्स होते हैं कोर्ट कार्ड्स और 10 कार्ड्स होते हैं पिप कार्ड्स। ओके, पिप कार्ड्स क्या होते हैं? पहला कार्ड शुरू होता है एस से, सूट ऑफ पेंटिकल हो या कप हो या स्वॉर्ड्स हो या वॉन्ड हो, हम हर किसी में पहला कार्ड होगा एस, एस ऑफ कप्स या एस ऑफ पेंटिकल्स या एस ऑफ स्वॉर्ड्स या एस ऑफ वॉन्ड, ये होता है फर्स्ट कार्ड आपके सूट का। अगर एस ऑफ कप है तो उसमें सिर्फ एक ही कप बना होगा, अगर एस ऑफ पेंटिकल है तो उसमें सिर्फ एक ही पेंटिकल बना होगा और नीचे नाम लिखा होगा एस ऑफ पेंटिकल। अगर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो उसमें नीचे नाम लिखा होगा एस ऑफ स्वॉर्ड्स और ऊपर एक ही पेंटिकल बना होगा। प्लीज़ आप इस तरह से, आपको इनिशियली हो सकता है कन्फ्यूजन होगी, डेफिनेटली हो सकती है, तो नहीं होगी तो इट्स वेरी गुड, बट इन केस आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है प्लीज़ हमेशा कार्ड के नीचे नाम देखिए और ऊपर से उसका नंबर पढ़िए। एस का मतलब होता है नंबर वन। जब टू ऑफ कप्स का कार्ड होगा, नंबर टू का कार्ड होगा, तो वो किस तरह से लिखा होगा? टू ऑफ कप्स, जिसमें दो कप्स बने होंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें दो पेंटिकल्स बने होंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसमें दो स्वॉर्ड्स की ड्राइंग होगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें दो वॉन्ड्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेन नंबर तक आपके पास ये पिप कार्ड्स होते हैं। जो पहला कार्ड है उस पर उसका नंब उस पर एस लिखा होता है और उसका नंबर वन होता है और सिर्फ उतना ही उतनी ही नंबर ऑफ कप्स या पेंटिकल्स या स्वॉर्ड्स या वॉन्ड आपको मिलेंगे। नंबर टेन कार्ड है तो उसमें आपको 10 कप्स या 10 पेंटिकल्स या 10 स्वॉर्ड्स या 10 वॉन्ड्स मिलेंगे। आप जो भी नंबर का कार्ड है आप काउंट कर सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा स्वॉर्ड या पेंटिकल या कप या वॉन्ड नहीं मिलेगी, ना ही उस नंबर से कम मिलेगी। कन्फ्यूजन के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप नीचे नेम पढ़ लीजिएगा। इवेंचुअली कार्ड्स आपको इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे कि आपके सामने कार्ड खुलेगा और आप बस बता देंगे कि इस कार्ड का क्या मतलब है, बट इनिशियली जब तक हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्ड्स को समझने के लिए, प्लीज़ आप अपने कार्ड्स को अच्छी तरह से देखिए और अच्छे से प्लीज़ इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। नाउ वी कम टू कोर्ट कार्ड्स, जो नंबर 11 से शुरू होते हैं, 11, 12, 13 एंड 14। अब 11 नंबर के कार्ड पे 11 कप्स या 11 स्वॉर्ड्स या 11 पेंटिकल्स या 11 वॉन्ड्स नहीं बने होंगे, एक ही कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड या पेंटिकल होगा, सिर्फ एक। लेकिन 11 कार्ड हमेशा होगा या तो पेज ऑफ कप्स या फिर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स या पेज ऑफ पेंटिकल्स या पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप देखेंगे एक प्रिंस टाइप पर्सनालिटी बनी होगी आपके कार्ड पर और उसने कप, स्वॉर्ड, पेंटिकल या वॉन्ड को किसी तरह से हाथ में उठाया होगा या उस कार्ड पे बना हुआ होगा। पेज वर्ड से आप समझ जाएंगे कि इस कार्ड का नंबर है 11। फिर आता है नंबर 12 जो होता है नाइट कार्ड। नंबर 12, जैसे ही आप नीचे नाइट कार्ड पढ़ेंगे, एक वॉरियर वाली पर्सनालिटी आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये कार्ड आपका नाइट कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स या वॉन्ड्स, इसमें भी एक ही ड्राइंग बनी होगी, या तो एक कप होगा या एक स्वॉर्ड होगा या एक पेंटिकल या एक वॉन्ड होगा, 12 नहीं बने होंगे। जो ये नंबर्स हैं ये सिर्फ
ए से 10 तक है कि अगर नंबर 1 है तो 1 कप होगा, नंबर 2 है तो 2 कप्स होंगे, अदरवाइज आपके जब कोर्ट कार्ड आ जाते हैं तो सिर्फ आपके पास एक एक ही ड्राइंग बनी हुई दिखाई देगी आपको। 11 का मतलब 11 नहीं, 12 का मतलब 12 कप्स या 12 स्वॉर्ड्स या 12 पेंटिकल्स या 12 वॉन्ड्स नहीं बने होंगे। नंबर 13 होता है क्वीन का, क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड का नंबर हो जाता है 13, 13 मीन्स 1 + 3 = 4, लेकिन कप स्वॉर्ड पेंटिकल या वॉन्ड एक ही बनी होगी लेकिन कार्ड में क्वीन होगी। और कार्ड का पूरा नाम आपको कार्ड के नीचे ज़रूर दिख जाएगा। देन वी कम टू नंबर 14, 14 में किंग कार्ड्स आ जाते हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड। इसमें भी कप स्वॉर्ड पेंटिकल या वॉन्ड जिसका भी कार्ड है वो उसका एक ही सिंबल होगा, सिंबल्स आपके ज़्यादा नहीं होंगे, 14 सिंबल्स नहीं होंगे, बट आप किंग देखेंगे और आप नीचे नाम पढ़ेंगे, आप सिंबल देखेंगे, उससे आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कि आपके पास कौन सा कार्ड है। अब मैंने आपको बताया था माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं। ये जो माइनर आर्काना है इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सूट्स, हर सूट में 14 कार्ड्स होते हैं। हर सूट में जो वो 14 कार्ड्स होते हैं उनमें से 10 कार्ड्स होते हैं पिप कार्ड्स और 4 कार्ड्स होते हैं कोर्ट कार्ड्स। जो पिप कार्ड्स होते हैं वो होते हैं एस से लेके नंबर 10 तक, और जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं वो हमारे पेज, नाइट, क्वीन और किंग के कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लेइंग कार्ड्स का स्ट्रक्चर होता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ आप प्लेइंग कार्ड्स के स्ट्रक्चर को ध्यान में लाइए, एंड डाउट क्लास आप कभी भी ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, 2-3 क्लासेस के बाद शायद आपको लगेगा कि ये लेक्चर तो बहुत ही पेटी था, इसमें इतना कुछ मेजर नहीं था। अभी आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं इसलिए शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मे बी लगे, तो प्लीज़ कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, हम एक डाउट क्लास रखेंगे और मैं आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर करूँगी। हर सूट में 10 पिप कार्ड्स होते हैं, तो 4 सूट्स में 10 × 4 40 पिप कार्ड्स हो गए। हर सूट में 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, सो 4 सूट्स में 16 कोर्ट कार्ड्स हो गए। 40 + 16 = 56, आपके पास टोटल 56 माइनर आर्काना कार्ड्स आ जाते हैं। नाउ वी कम टू मेजर आर्काना कार्ड्स। मेजर आर्काना का क्या मतलब होता है? मेजर लाइफ इवेंट्स, मेजर लाइफ इवेंट्स मतलब आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बड़ी घटनाएं। हो सकता है कि सच में आपकी ज़िंदगी, अगर ये कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं किसी के रीडिंग में, उसका मतलब है कि उसकी हम बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में रीडिंग्स कर रहे हैं, हमें उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ी चीज़ें जो होने वाली हैं उनके बारे में पता चल रहा है। कभी कभी लाइफ के इवेंट्स सच में बड़े होते हैं, और कभी कभी बहुत लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि कोई छोटी सी चीज़ भी है, पैर में सुई भी लग गई तो वो उसको पूरे दिन रोते रहेंगे, हर किसी को जो घर पे आएगा उसे बताएंगे, आपको पता है मेरे पैर में सुई लग गई, आपको पता है मेरा हाथ मुड़ गया, आपको पता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को भी जो एवरी डे जो हर किसी के साथ होती हैं उनको भी बहुत बड़ा बनाएंगे। तो इट डिपेंड्स जब आप क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं कि उसकी एनर्जी से उसके लिए लाइफ में वो इवेंट बड़ा है या छोटा है। मेजर आर्काना मतलब मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं, और जो हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट था स्काई, स्काई वाज अ मेजर एलिमेंट, इसलिए मेजर आर्काना के जो 22 कार्ड्स होते हैं वो स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 to 10 years। लेट अस से कि आपने किसी की रीडिंग की और आपके पास कार्ड आया द फूल का कार्ड आया, द फूल जो 0 नंबर का मेजर आर्काना कार्ड है, अगर वो कार्ड आया और कोई आपसे कुछ टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा सो एंड सो मेरा बिजनेस कितने टाइम में सेटअप हो जाएगा, आपने निकाला कार्ड एंड लेट अस से वो आया 0 नंबर द फूल, नाउ द फूल इज़ अ मेजर आर्काना कार्ड, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ 5 से तो उसका टाइम पीरियड होगा 5 से 10 साल। अब कार्ड्स कुछ नेगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं, ज़िंदगी में हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए जो हमारे कार्ड्स निकलते हैं
कभी वो पॉजिटिव सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं, कभी वो नेगेटिव सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपका कार्ड द फूल निकलता है तो आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? द फूल एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, हम इसे टैरोज में बहुत अच्छा कार्ड मानते हैं, इसलिए आप टाइम पीरियड बोलेंगे 5 ईयर्स। अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता, जैसे द डेथ कार्ड आ जाएगा, द टार कार्ड आ जाएगा, जो नेगेटिव कार्ड्स है, तो आप टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे 10 ईयर्स तक। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका एलिमेंट्स काय है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टाइम पीरियड है 5 to 10 ईयर्स। अगर पॉजिटिव कार्ड है और किसी ने आपसे टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछा है, मेरी शादी कितने टाइम में हो जाएगी या कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, और अगर आपका पॉजिटिव कार्ड आया है मेजर आर्काना में, तो आप बोलेंगे विद इन 5 ईयर्स ऐसी चीज़ें आपकी मेटीरियलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर नेगेटिव कार्ड आया है तो आप बोलेंगे 10 ईयर्स या 7 ईयर्स। वो डिपेंड करता है कि कार्ड कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, उस पर। इसका एलिमेंट स्काई एलिमेंट है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मेजर आर्काना का मतलब है बड़े बड़े इवेंट्स लाइफ के। तो इसलिए सबसे बड़ा एलिमेंट जो 5 एलिमेंट्स में से होता है वो स्काई होता है, और इसलिए मेजर आर्काना को स्काई एलिमेंट से एसोसिएट किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। आई होप आपके नोट्स बना रहे हैं। नाउ वी कम टू आर माइनर आर्काना। माइनर आर्काना में 4 सूट्स होते हैं, हर सूट में 14 कार्ड्स होते हैं। उन 14 कार्ड्स में से 10 कार्ड्स पिप कार्ड्स होते हैं और 4 कार्ड्स कोर्ट कार्ड्स होते हैं। अब जो पेंटिकल्स का है सूट, पेंटिकल्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 to 3 ईयर्स। अगेन, अगर आपका पॉजिटिव कार्ड आया है तो आप बोलेंगे हाँ आपका काम तो 1 साल में हो जाएगा। अगर आपका नेगेटिव कार्ड आया है तो आप बोलेंगे नहीं, आपको 3 साल या 1 से 3 साल के बीच में कुछ टाइम लग सकता है। सूट ऑफ पेंटिकल्स को हम एसोसिएट करते हैं अर्थ एलिमेंट से। क्यों करते हैं हम अर्थ एलिमेंट से? क्योंकि सूट ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताते हैं? मेजर आर्काना हमने समझ लिया, 22 पर्सनालिटीज़ डिस्क्राइब करते हैं, 22 सिचुएशंस डिस्क्राइब करते हैं। मेजर लाइफ इवेंट्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है लाइफ में, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, कुछ भी जो लाइफ के बड़ी इवेंट्स होते हैं, बड़े अचीवमेंट्स होते हैं या बड़े बड़े फेलियर्स होते हैं, वो सब चीज़ें मेजर आर्काना में होती है। सूट ऑफ पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बताता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसों से रिलेटेड चीज़ें, आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, आपके बॉडी से रिलेटेड चीज़ें। मटेरियलिस्टिक मतलब मनी एंड बॉडी। क्यों? क्योंकि बॉडी, अगर आप बॉडी और सोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो मैंने पुराने लेक्चर में भी आपको समझाया था, जब हम दोबारा बर्थ लेते हैं बॉडी ख़त्म हो जाती है, सोल रहती है। लेकिन हम लोग बहुत बार लाइफ में अपनी सोल को अच्छा बनाने पर, अपने कर्मों को अच्छा बनाने पर वर्क नहीं करते हैं। हम कैसे लग रहे हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारा फेस कैसा है, इस सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं। विच आई एम नॉट सेइंग इज़ रॉन्ग, बस मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बॉडी इज़ अ पार्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग एंड मनी ऑफ कोर्स। जब आप आए दुनिया में, आप बिना पैसों के आए, आप जा रहे हैं, आप अपने पैसे 1 रुपये भी साथ नहीं लेके जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वी कम टू सूट ऑफ कप्स। सूट ऑफ कप्स का सिंबल आपको पता है, कप होता है। कप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कप्स हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कप आप याद रखिए, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कप्स जो होते हैं उनमें हम पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, लिक्विड्स। जनरली हम कप में लिक्विड्स यूज़ करते हैं और लिक्विड्स को कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए इससे आपको इसका एलिमेंट याद हो जाएगा कि ये वाटर एलिमेंट है। ये हमारे इमोशंस को शो करता है। जब भी इस सूट का कार्ड आता है, ये हमारे इमोशंस को शो करता है। इमोशंस कैसे होते हैं? आपने सुना होगा, पल में माशा, पल में तोला। अभी आप खुश हैं, 2 घंटे बाद आप दुखी हो जाएंगे। अभी आपका बच्चा फर्स्ट आ गया तो यू आर फीलिंग कि आप तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं।
अभी आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गई तो आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल हिल है। इमोशंस तो हमारे इस तरह से क्लिक ऑफ अ फिंगर में चेंज हो जाते हैं, कभी अच्छा इमोशन कभी बुरा इमोशन, कभी हैप्पी इमोशन कभी डरा हुआ इमोशन, कभी सरप्राइज का इमोशन। इनफैक्ट एक टाइम पे भी आप पांच छह इमोशंस भी फील कर रहे होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। इसलिए इमोशंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं एंड हेंस ये वाले जो कार्ड्स होते हैं इनका टाइम पीरियड डेज में होता है। अगर ये कार्ड आया और कोई आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी ने क्वेश्चन पूछा मेरा बिजनेस क्या मेरी शादी कब तक हो सकती है, सूट ऑफ कप्स का कार्ड आया और अगर पॉजिटिव कार्ड आया तो आप कम नंबर ऑफ डेज बोल सकते हैं। नाउ दैट डज नॉट मीन आप बोलेंगे एक दो दिन में हो जाएगी, डेज 30 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। तो वो थोड़ी सी आपकी जजमेंट से और जैसे जैसे आप कार्ड्स पढ़ेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा, उस तरह से आप उसको नंबर ऑफ डेज बोलेंगे। नेगेटिव आया तो आप डेज बढ़ा देंगे, डेज 365 भी हो सकते हैं, आप एक साल भी बोल सकते हैं, आप एक साल से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। एक पॉइंट और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद इस चीज़ का डाउट आपको आ रहा होगा, मैंने आपको कहा कि पेंटिकल्स तो आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कप्स आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरा बिजनेस कब तक सेटअप हो जाएगा और आपने कार्ड निकाला और उसका कार्ड कप्स का आ गया या वॉन्ड का या स्वॉर्ड का आ गया, तो आपको लगेगा मेरा कार्ड तो गलत निकल गया क्योंकि जो फाइनेंसेस है वो तो सूट ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है। पर ऐसा नहीं है, क्या कोई रिप्रेजेंट करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसमें आपका कार्ड जो भी आया है आप उस कार्ड के हिसाब से उसको रीडिंग बता के देंगे। अगर कप्स का कार्ड आया है और क्वेश्चन भले ही फाइनेंस से रिलेटेड है, इरिस्पेक्टिव आप उसको उस कार्ड से टाइम पीरियड बता सकते हैं या जो भी और इंटरप्रिटेशन है वो बता सकते हैं। धीरे धीरे जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने कार्ड्स को वैल्यू करेंगे, उनको प्रे करेंगे, तो विद प्रैक्टिस और जितना आप अपने कार्ड्स को यूज़ करेंगे आपकी एनर्जीज उतनी फ्लो होंगी, कार्ड्स उतना और एक्यूरेटली आपको आंसर्स देने लगेंगे। आप मैजिकली देखेंगे कि फिर किसी ने फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है मेजर आर्काना या सूट ऑफ पेंटिकल्स में से ही आपका कार्ड ड्रॉ होगा, बट दिस कम्स विद प्रैक्टिस। नाउ वी कम टू सूट ऑफ वॉन्ड्स। सूट ऑफ वॉन्ड्स का जो एलिमेंट है वो है फायर। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, सूट ऑफ वॉन्ड्स का सिंबल होता है ऑलिव ट्री की ब्रांच। तो यूजुअली लकड़ी को हम क्या करते हैं, जला देते हैं जंगल में, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये फायर एलिमेंट है। ये कोई तरीके मतलब ये कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन या कुछ आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये सिर्फ कौन सा सूट कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है उसको याद रखने का एक तरीका है जो मैंने डिवाइस किया है। आपको अच्छा लगे तो आप भी इसी तरह से याद कर सकते हैं, बट ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि क्योंकि लकड़ी को जलाया जाता है इसलिए वो फायर एलिमेंट है। ये बस याद करने का तरीका है एक। अच्छा, वॉन्ड्स क्या करते हैं, क्या बताते हैं, हमारी एक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस, डिसीजन मेकिंग तो हम सब कर लेते हैं, थॉट्स हमारे दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं। एक दिन में पता नहीं कितने हज़ारों और लाखों थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। कभी आप सोच रहे हैं मेरे बच्चे की स्कूल की फीस मुझे पे करनी है, कभी आप सोच रहे हैं मुझे मेरे ऑफिस जाके ये करना है, कभी आप सोच रहे हैं खाने में क्या बनेगा, कभी आप सोच रहे हैं आज कौन सी कार में मुझे यहाँ बैठ के कौन सी रेस्टोरेंट जाना है। सो मेनी थिंग्स यू आर थिंकिंग ऑफ एट द सेम टाइम, लेकिन उनमें से कितनी चीज़ों को आप रियली लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। आपका मन है आज तो मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी, खाना खाऊंगी, सब कुछ करूंगी, इन्जॉय करूंगी डे। शायद कोई इमरजेंसी आ जाए और आप डे इम्प्लीमेंट और आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। शायद आप खुद ही इतने लेज़ी है कि सोचते तो बहुत है लेकिन होता कुछ नहीं है। जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एक्सरसाइज। आई थिंक हम सब सोचते हैं हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे, उतनी डाइट करेंगे, बट हम सब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है या अगर आप कोई प्लानिंग में हैं, आप बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, आप फर्दर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, एनी थिंग, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, अगर कोई भी चीज़ का क्या कब आप एक्शन ले पाएंगे या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं, वो आपको सूट ऑफ वॉन्ट से पता चलता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो वीक्स में होता है। अगर पॉजिटिव कार्ड निकला है तो आप क्लाइंट को टाइम पीरियड बोलेंगे लेस नंबर ऑफ वीक्स। अब वीक्स भी कितने भी हो सकते हैं, एक साल में जितने वीक्स होते हैं वो भी, एक महीने में चार वीक्स होते हैं वो भी,
तो वो आपको आपके जजमेंट से एनालाइज करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आंसर देना है, क्या कार्ड आया है, कितना नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है। देन वी कम टू सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जो स्वॉर्ड्स होती हैं, हम तलवार को ऐसे ऐसे हवा में ढुस 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 चला चला के हवा में और फाइट करते हैं, बैटल फील्ड्स में लड़ाई करते हैं, तो इसलिए आप उससे याद रख सकते हैं कि तलवार को हवा में चलाया जाता है तो उसका एलिमेंट हो गया एयर। अब तलवार क्या, स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करती है? सूट ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे थॉट्स, हमारे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या हमारी सोच है, एंड मेजरली स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं कि आगे फ्यूचर में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके बारे में। दिन भर हम इस चिंता में रहते हैं कि कल ये हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या हुआ, वो काम नहीं हुआ तो क्या होगा। प्रेजेंट में हम लोग कम जीते हैं बट हम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और क्यों हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? क्योंकि हम परेशान होते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, जनरली हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं बट जनरली हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इसलिए इनका इस सूट में जो कार्ड्स आते हैं वो जनरली नेगेटिव कार्ड्स ज़्यादा और पॉजिटिव कार्ड्स बहुत कम हैं। टाइम पीरियड मंथ्स में होता है। अगर आपका पॉजिटिव कार्ड आया है और क्लाइंट का कुछ क्वेश्चन है, मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, तो आप कह सकते हैं बस कुछ महीनों में आपकी जॉब लगने वाली है। अगर नेगेटिव है तो मंथ्स तो 12 मंथ्स भी हो सकते हैं, 24 मंथ्स भी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि शायद एक दो साल का टाइम तो लग सकता है, या आप 7-8 महीने भी कह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी जजमेंट पे जो आप ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड फॉर्म करेंगे। सो आई होप कि आपने इसके नोट्स बनाए और आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। अब हम आते हैं हमारे कोर्ट कार्ड्स पे। अगर आपको याद है, हमारे पास हर सूट में 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं। पहला होता है पेज, दूसरा होता है नाइट, तीसरा होता है क्वीन, एंड आवर फोर्थ इज किंग। हम जब कार्ड्स पढ़ेंगे तब ऑफ कोर्स हम हर कार्ड के लिए उस कार्ड का स्पेसिफिक मीनिंग पढ़ेंगे डेफिनेटली, बट इन जनरल जो ये कोर्ट कार्ड्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स होते हैं जो इन कोर्ट कार्ड्स में हमेशा कॉमन रहते हैं। जैसे जैसे हम जिस सूट का कार्ड उठाएंगे, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक ऐड होती जाएंगी बट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहती हैं। तो आपका पेज कार्ड, नाइट कार्ड, क्वीन कार्ड और किंग कार्ड, ये होते हैं आपके 4 कोर्ट कार्ड्स जो आपको हर सूट में मिलते हैं। पेज कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर मतलब जैसे बच्चे होते हैं, 18 साल तक के बच्चे होते हैं, पहले छोटे बच्चे होते हैं, टीन एज में आते हैं, फिर 18 में लगता है वाओ हम तो बड़े हो गए, अब तो हम अडल्ट हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, समझ नहीं होती है ज़िंदगी की या दुनिया की, बस लगता है कि हाँ हम तो सब कुछ हैं, हम तो कुछ भी कर लेंगे, बट वो इमेच्योर होते हैं। तो जो भी पेज कार्ड्स होते हैं, अगर पेज कार्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान की एज लेस देन 18 ईयर्स है, उसका मतलब ये है कि उसका जो मेच्योरिटी का लेवल है या उसका जो थॉट्स का लेवल है, वो कितना मैच्योरिटी से, कितना इंटेंसिटी से किसी सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, वो दिमाग उसका भी 18 साल से कम के बच्चे का है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये लोग केयरलेस होते हैं। जैसे जैसे आपको एज होती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप मैच्योर होते हैं, आप बड़े होते हैं, तो आप में मैच्योरिटी आती है, आप में कंटेंटमेंट आता है, आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें बेकार की हैं। शायद अगर आप 30s की एज ब्रैकेट में आ जाएंगे तो आपको लगेगा अरे 12th स्टैंडर्ड में मैं बोर्ड्स के लिए इतना रोता था या इतना रोती थी, क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे आ गई है, तो आपको लगेगा वो चीज़ें मैं क्यों इतना क्रिप करती थी या करता था। सिमिलरली जो ये पेज कार्ड है, सिंस इनका दिमाग जो है, दिमाग की जो एनालिसिस पावर है वो 18 साल से कम की होती है, तो इनके अंदर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं होती है। इनको लगता है
कि मुझे तो करीना कपूर क्यों नहीं मिली, मुझे तो शाहिद कपूर क्यों नहीं मिला। इनको ये नहीं लगता कि जो मेरे पास है शायद वही करीना कपूर और शाहिद कपूर है। कोई जॉब मिल जाएगी तो लगेगा अरे ये क्यों मिली, वो वाली क्यों नहीं मिली। इनको ये नहीं लगेगा कि जो मुझे मिली है वो अच्छी है और वो बेस्ट है। हमेशा दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो डिसकंटेंटमेंट हमेशा रहती है। इनका जो नेचर है, ऑफ कोर्स 18 साल से कम के लोग जो होते हैं थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर होता है, क्योंकि उन्होंने उतनी दुनिया देखी भी नहीं है। जनरली आई एम नॉट सेइंग इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑल्सो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, बट मोस्टली दिस इज़ वॉट इज़ बीन ऑब्जर्व्ड। चाइल्डिश नेचर होता है और केयरलेस होते हैं। कुछ सामान रख दिया, भूल गए, मम्मी ये ढूंढ दो, मम्मी वो दे दो, थोड़ा सा उस तरीके का नेचर होता है। तो पेज कार्ड बेसिकली इमेच्योरिटी होती है, थोड़ा सा केयरलेसनेस होती है, डिसकंटेंटमेंट होता है, अपने नेचर से थोड़ा सा बच्चापन रहता है, और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो 18 साल या उससे कम का रहता है। नाउ वी कम टू नाइट कार्ड। नाइट कार्ड वॉरियर्स होते हैं, सो ऑफ कोर्स वो बहुत ही मैच्योर होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। आप बैटल फील्ड में लड़ाई करने जा रहे हैं, कोई 10 साल का बच्चा तो नहीं चला जाएगा। अगर आप जा रहे हैं, आप में एक मैच्योरिटी है, आप में एक सेंस है कि आप इतनी सारी सेना को हरा सकते हैं, आप इतने लोगों को फेस कर सकते हैं बैटल फील्ड में। एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट कार्ड का मतलब है मैच्योरिटी एंड एनर्जेटिक प्लानर्स। डिसीजन मेकिंग अच्छी है, क्योंकि नाइट्स क्या होते हैं, वो रियल वर्ल्ड में उतर चुके हैं, वो लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देख रहे हैं, डील कर रहे हैं उनसे, इसलिए वो अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। यूथ पर्सनालिटी होती है। यूथ का मतलब सी बच्चे, चाइल्डिश पर्सनालिटी और यूथ पर्सनालिटी में डिफरेंस है। चाइल्डिश इज़ समथिंग यू कैन समवन यू कैन कॉल्ड इमेच्योर, बट यूथ पर्सनालिटी में बहुत विगर, बहुत एनर्जी होती है। इनका जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो होता है बिटवीन 25 to 35 years। लाइफ में भी अगर आप देखेंगे 25 से 35 के एज के बीच में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है, तो आपको धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लगती है, एंड इट इज़ नॉट एन ओल्ड एज, इसलिए आपकी एनर्जी लेवल्स भी हाई रहते हैं। नाउ वी कम टू क्वीन कार्ड। क्वीन कार्ड ऑफ कोर्स क्वीन है, शी हैज़ टू बी मेच्योर, वरना क्वीन बनना आसान नहीं है। एक राजा की वाइफ होना आसान काम नहीं है, आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। लॉट्स ऑफ इन हाउस पॉलिटिक्स, लॉट्स ऑफ किचन पॉलिटिक्स, फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए इनमें मैच्योरिटी होती है। ऑफ कोर्स क्वीन कार्ड है, क्वीन है तो फेमिनिन तो होगी, और फेमिनिन पर्सनालिटी कैसी होती है, थोड़े से कितने भी बाहर से स्ट्रिक्ट हो जाए पर अंदर से थोड़ी सॉफ्टनेस और थोड़ी डेलिकेसी होती है, दिस इज़ कॉल्ड फेमिनिटी। एक एक फीमेल अपने पूरे फैमिली को यूजुअली रन करती है, तो वो स्ट्रांग होती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग होती है, बट अंदर से उनका दिल, उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। इमोशनल होते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज सारे डिसीजंस प्रैक्टिकली नहीं ले पाते हैं, इमोशनली ज़्यादा लेते हैं। मेच्योरिटी लेवल अगेन 25 से 35 का होता है, बट थोड़ा सा इमोशनल क्वोशेंट ज़्यादा होता है। नाउ वी कम टू आर लास्ट कोर्ट कार्ड, विच इज़ किंग कार्ड। तो किंग्स कैसी पर्सनालिटी होती है, अथॉरिटेटिव। किंग को एक पूरा किंगडम, एक पूरा एरिया, एक पूरा कंट्री है, जितना भी एरिया उनके अंडर आता है सब कुछ मैनेज करना है। दे हैव टू मैनेज एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अगर वो अथॉरिटेटिव नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए किंग नाम सुनते ही आप समझ जाइए कि ये अथॉरिटेटिव होते हैं, पावर होती है इनके पास, जो चाहे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी क्यों कहा गया है कि स्टेबिलिटी होती है, किंग अपने थ्रोन पे बैठता है, वो जो चाहता है वो करवा सकता है, उसके इमोशंस में, उसके डिसीजंस में स्टेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि अभी तो खुश हो गया तो सोना दे दिया, कल उसी से दुखी हो गया तो उसको कोड़े मार दिए। अगर प्रैक्टिकल होके और अगर माइंड को स्टेबल करके नहीं आप सोचेंगे आगे, तो आगे गाड़ी नहीं चल सकती है, इसलिए इनके नेचर में स्टेबिलिटी होती है। एंड दे आर वेरी मैच्योर, हेड ऑफ़ द फैमिली कहा जाता है। क्यों क्वीन को हेड ऑफ़ द फैमिली नहीं कहा जाता, बिकॉज क्वीन्स थोड़ी सी इमोशनल होती हैं,
बट जो किंग होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है और वो सारे डिसीशंस प्रैक्टिकली लेता है. उसमें मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी, अथॉरिटेटिवनेस होती है. क्वीन क्या होती है? आप अपनी मदर को बोलेंगे प्लीज़ ना मम्मा करने दो ना, शी विल मेल्ट. लेकिन शायद आपके पापा मेल्ट नहीं करें, या जहाँ पे उन्हें स्टैंड लेना है वो ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड ले पाए. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह ऐसा होता है, बट मेनी अ टाइम्स इट इज़ लाइक दैट. बोल्ड पर्सनैलिटी होती है, अडल्ट होते हैं, मेच्योरिटी लेवल 45 ईयर्स से ऊपर का होता है, इसीलिए इनमें इतनी इतनी मेच्योरिटी होती है. तो आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करती हूँ. आई होप आपको समझ आया. साइनिंग ऑफ, एंड मैं मिलती हूँ आपको आपके थर्ड लेक्चर में. प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिए, प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए. मैं आपको लाइव डाउट क्लास दूँगी. आपको जो समझ नहीं आया या कुछ भी मिस हो गया, मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवाऊँगी. आई होप यू लाइक द लेक्चर. बाय.